नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 नवंबर शनिवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। दौसा में आज शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। अलवर गंगापुर मेगा हाईवे पर जयसिंहपुरा फाटक के पास नीचे एम्बुलेंस व ट्रक में आमने सामने भिड़त हो गई। एम्बुलेंस इलाज के लिए मरीज के और परिजनों को लेकर जयपुर जा रही थी। इसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 गंभीर घायलों को बांदीकुई से जयपुर रेफर किया गया है। मृतक अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र के बम्बोली गांव के बताए जा रहे हैं। पहचान के लिए शव बांदीकुई CHC की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस ने बताया कि अलवर जिले के बम्बोली रामगढ़ से 5 लोग एम्बुलेंस में सवार होकर मरीज का इलाज कराने जयपुर जा रहे थे। इस दौरान बसवा थाना क्षेत्र में जयसिंहपुरा फाटक के बाद ट्रक व एम्बुलेंस में आमने सामने टक्कर हो गई। राजस्थान में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद शासन प्रशासन एक्टिव हो गया है। ऐसे में गृह विभाग की गाइडलाइन के बाद शिक्षा विभाग ने भी कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके बाद प्रदेश भर के स्कूलों में अब 3 पारियों में पढ़ाई होगी, जिसके तहत कक्षा 1 से 5 के बच्चों को सुबह 10 से दोपहर 3:45 तक पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा। वे कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को सुबह 10:15 से शाम 4 तक स्कूल बुलाया जाएगा, जबकि कक्षा 9 से 12 के बच्चों को सुबह 10:30 से शाम 4:15 तक स्कूल में पढ़ने के लिए बुलाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने प्रार्थना सभाओं, कैंटीन खोलने पर भी रोक लगा दी है। जिन स्कूल में कोविड पॉजिटिव मिलेंगे उस क्लास को 10 दिन के लिए बंद रखना होगा। वहीं ऑनलाइन क्लास चलाना सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य रहेगा। ACB की सेकंड यूनिट ने भीलवाड़ा के बिजोलिया थाने के कांस्टेबल मेघ सिंह जाटव और दलाल जयंत कोहली को 15,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। रिश्वत एक परिवार द्वारा कार्रवाई नहीं करने की एवज में ली थी। एक अन्य टीम ने आरोपियों के मकानों पर तलाशी ली। भीलवाड़ा ACB की दूसरी इकाई में परिवादी मोनू लखारा ने 22 नवंबर को शिकायत दी थी। इसके अनुसार उसके खिलाफ बिजोलिया थाने में एक परिवाद दर्ज हुआ, जिसमें कार्रवाई नहीं करने की एवज में कांस्टेबल मेघ सिंह जाटव उसके दलाल बिजोलिया निवासी जयंत कोहली के माध्यम से 20,000 रुपये मांग रहा था। आखिर में कांस्टेबल 15,000 रुपये लेने पर तैयार हो गया। शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद ACB ने दोनों को रिश्वत लेते दबोच लिया। भरतपुर जिले के कामा थाना क्षेत्र के गुड़गांव में ग्रामीणों ने जब एक भाई को अपनी बहन को उसके ससुराल से घर ले जाने से रोका तो भाई ने गांव के युवक के गोली मार दी, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने गोली मारने वाले युवक को मौके पर पकड़ लिया और उसकी जोरदार पिटाई कर दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दौलवास की रहने वाली बसीमा की शादी 5 साल पहले गुड़गांव के रहने वाले शौकीन से हुई थी। बसीमा का अपने ससुराल वालों से घर के कामकाज को लेकर विवाद हो गया था। विवाद को निपटाने के लिए गुड़गांव में पंचायत की जा रही थी, जिसमें बसीमा का भाई अलीम भी आया हुआ था। पंचायत में हो रही सुलह में अलीम खुश नहीं था और वह अपनी बहन को घर ले जाने लगा तो ग्रामीणों ने उसे रोका, जिस पर उसने फायर कर दिया, जिससे शबीर नामक युवक की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सिरोही में 10 लाख रुपए लेकर तस्करों को भगाने के मामले में बरलोट के तत्कालीन थानाधिकारी सीमा जाखड़, कांस्टेबल सुरेश बिश्नोई, हनुमान बिश्नोई और ओम प्रकाश बिश्नोई को बर्खास्त कर दिया गया है। DSP मदन सिंह चौहान की जांच में चारों दोषी पाए गए। रिपोर्ट के बाद चारों को पद से हटा दिया गया। सिरोही SP धर्मेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि चारों को नौकरी से हटाया गया है। पहले SP धर्मेंद्र सिंह ने चारों को निलंबित किया था। मामले की पूरी जांच DSP मदन सिंह चौहान को सौंपी थी। बता दें कि सीमा जाखड़ ने तीनों सहयोगियों के साथ मिलकर डोडा तस्करों से सांठगांठ की थी। 14 नवंबर को उन्हें भगाने के लिए 10 लाख रुपए में सौदा तय किया। वह सीमा जाखड़ को 2 दिन बाद शादी होनी है। जयपुर ग्रामीण जिले के नरैना गांव में बदमाशों ने एक महिला की हत्या कर दी। इसके बाद बक्से में रखे सोने चांदी के जेवरात लूटकर भाग निकले। इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बदमाशों ने महिला के पति को भी बंधक बना लिया। सूचना पर नरैना पुलिस और जयपुर ग्रामीण जिले के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और FSL टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने बताया कि इस संबंध में खटीक मोहल्ला नरैना में रहने वाले 85 वर्षीय पांचूराम ने केस दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि वह और उनकी पत्नी सुरता देवी अपने मकान में आमने सामने के 2 कमरों में सो रहे थे, तभी 2 व्यक्ति घर में घुस गए। उन्होंने पांचूराम को दबोच लिया और मारपीट करना शुरू कर दिया।
एसीबी मामलों की स्पेशल कोर्ट ने बहुचर्चित रहे एकल पट्टा जारी करने के केस में राजस्थान सरकार के 3 तत्कालीन अफसरों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की याचिका खारिज कर दी है। इसे राज्य की गहलोत सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भ्रष्टाचार के मामले में पूर्व आईएएस और मौजूदा यूडीएच एडवाइजर जीएस संधू, आरएएस ओंकारमल सैनी और रिटायर्ड आरएएस निष्काम दिवाकर के खिलाफ राज्य सरकार की ओर से केस वापस लेने वाली अर्जी लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब तीनों अफसरों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने जीएस संधू को अमेरिका जाने की मंजूरी भी शर्त के साथ दी है। संधू ने अमेरिका जाने में रह रहे अपने छोटे भाई सुखदयाल सिंह से पारिवारिक मामलों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका जाने की मंजूरी मांगी थी। अमेरिका जाने से पहले संधू को कोर्ट में शपथ पत्र पेश करना होगा। जयपुर जिले के विश्वकर्मा थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई। एक मकान में बने खाली कमरे में युवक की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक युवक की हत्या चाकू से गला काटकर की गई है। पुलिस ने बताया कि मृतक की शिनाख्त जय नारायण के रूप में हुई है। वह मूल रूप से अलवर जिले के लालपुरा का रहने वाला था। वह जगदीश ठेकेदार के मार्फत जयपुर में मजदूरी के लिए करीब 10 दिन पहले आया था। यह विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया में रोड नंबर 6D पर एक फैक्ट्री में रहता था। यह 2-3 साथी भी कमरे पर साथ रहते थे। जय नारायण और उसके साथी इंडस्ट्रियल एरिया में ट्रक और वाहन की सामान से लोडिंग का काम करते थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के सलाटवाड़ा क्षेत्र में पति ने पीहर जाने से मना करने पर महिला ने हाथ की नस काटकर फंदे पर लटक गई। घटना के समय घर में केवल 4 साल की बेटी थी। सास के लौटने पर वारदात का पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस को सास मधु सेवक ने बताया कि उसके बेटे जितेंद्र की शादी 9 साल पहले आरा निवासी नीलम सेवक के साथ हुई थी। नीलम ने घर का काम करने के बाद पति से पीहर जाने की बात कही। पति ने बेटी का स्कूल होने से मना कर दिया, इस कारण वह नाराज हो गई। सीकर जिले के धौत थाना क्षेत्र में स्थित लाडवा गांव में एक महिला ने अपने कमरे में पंखे से फंदा लगाकर जान दे दी। महिला के पति ने घटना के लिए उसके पड़ोस में रहने वाले युवक को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने बताया कि लाडवा गांव में 38 वर्षीय सुमन ने अपने कमरे में लगे पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका पंचनामा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतका के पति भानाराम ने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उसके पड़ोस में रहने वाला मुकेश उसकी पत्नी से बातचीत करता था। आरोप है कि मुकेश सुमन को फोन कर उसे परेशान करता था। इसे दुखी होकर उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।